हाय दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पैंडेमिक पे होने वाला है। तो और ये पैंडेमिक पार्ट 4 है। पहले के जो 3 वीडियो हैं वो पहले से हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो मैंने रिसेंटली एक चीज़ देखी, उसी को देख के मैंने सोचा इस पर फटाफट एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि ये लोगों के नज़रों में रहें और हाईलाइट हो हमारी सोसाइटी में। तो उसी को देखते हुए मैंने आज की वीडियो तैयार की है, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कलर के बारे में पता कर लेते हैं फटाफट से। तो कलर्स के बारे में हम लोग पता कर लेते हैं। तो हम लोग कैमलिन के ऑयल पेंसिल्स यूज़ करेंगे और एक्राइलिक में हम ब्लैक एंड वाइट, एक ब्रश और एक ब्लैक पेन। हाँ, ब्लैक पेन का मतलब कि आज हम लोग पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसी से ही हम लोग बनाएंगे। और ये कुछ स्केच और इसके कुछ कलर्स, आज बहुत कम कलर्स यूज होने वाले हैं, वॉयलेट और लाइट ब्राउन, रेड एंड लाइट ब्लू, बस ये 4 कलर यूज होने वाले हैं। तो आज का जो कार्टून होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और अभी तक का जितना है उससे अलग है, तो आप ज़रूर इसे देखें और कमेंट करके बताएंगे आपको कैसा लगा। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग स्केच बना लेते हैं। तो स्केच में हम सिर्फ डायरेक्ट पेन का यूज़ करेंगे, पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में आउटलाइनिंग करने के लिए हमें पेन की ज़रूरत होगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट पेन का ही यूज़ कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो एम्बुलेंस को लेके है कि जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उन्हें बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस मिल रही है, और जो मिल रही है तो बड़े ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं, तो उसको लेके बनाएंगे। तो पहले तो हम लोग बनाएंगे वो इंसान जो कोरोना पॉजिटिव है, फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे एम्बुलेंस वैन, फिर उसके आसपास का एरिया बनाएंगे। तो आप देखते रहें और ध्यान दें इस पास पर। दोस्तों हमारा स्केच हो गया है रेडी, तो करते हैं कलर। तो कलर में हम सबसे पहले ह्यूमन को बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका कोरोना वाला फेस बनाएंगे, और फिर उसके बाद एम्बुलेंस को बनाएंगे, और आखिर में जाके उसके आसपास का एरिया, जी यानी बिल्डिंग्स और उसके पूरे शहर में किस तरीके से कोरोना फैला हुआ है। दोस्तों तो अब वो चीज़ें बनाते हैं जिसकी वजह से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं इस पेंडेमिक में। तो
इसको बनाने के बाद आपको पता ही चल जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, या आपको पहले से ही अंदाज़ा होगा क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को डेली लाइफ में ही देखते रहते हैं। और फिर इसके बन जाने के बाद फिर हम दोनों के कन्वर्सेशन की मैसेज लिखेंगे और उस मैसेज को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें और वो मैसेज और इस चीज़ को आपस में कंपेयर करके देखिए कि क्या चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ। सावधानी रखें क्योंकि आपके कलर के निकलने का टाइम यही होता है, तो आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करके टेप को आराम से निकाल दें।